सो फाइनली दोस्तों नाम मूवी डे नंबर टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाइज आपको बता दूं कुछ लोग जो है नाम मूवी को और बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वेल दोस्तों हेटर्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन भाई साहब करण अर्जुन के रिकॉर्ड को तोड़ दिए नाम, आई वॉन्ट टू टॉक अभिषेक बच्चन की फिल्म उसके रिकॉर्ड को तोड़ दी है, एंड गाइज कई री रिलीज फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ दी, पुष्पा री रिलीज हुई है उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दी। ये नाम मूवी गाइज भले ही 20 साल बाद रिलीज हो रही है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कोई फ्लॉप फिल्म है। गाइज क्रिटिक्स के जो रिव्यू आ रहे हैं, आई मीन दोस्तों मैं सारे न्यूज मैंने पढ़े, एंड जिस हिसाब से दोस्तों क्रिटिक्स हो, चाहे दोस्तों कॉन्टेंट क्रिएटर के रिव्यूज हो, भाई पब्लिक के रिव्यूज हो, गाइज 4-4 की रेटिंग, 4.5 की रेटिंग, 3-3 स्टार की रेटिंग दोस्तों। आई कांट बिलीव दोस्तों, ये कौन से छपरी लोग हैं जो इतनी हेट फैला रहे हैं यार। भाई नाम मूवी ना, KRK ने अभी एक मैसेज किया, ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाला, एंड दोस्तों KRK ये बोल रहा है कि अभिषेक बच्चन ने अजय देवगन की इस फिल्म को बीट कर दिया है। आई वॉन्ट टू टॉक, जिसमें अभिषेक बच्चन का पेट निकला हुआ है, साला अभिषेक बच्चन को कुत्ता नहीं पूछ रहा गली में भाई साहब, और ये बोल रहा है अभिषेक बच्चन जो है अजय देवगन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई साहब बहुत सारी बातें लेके आऊँ दोस्तों, छपरियों की बजाएंगे बैंड, पूरी वीडियो को देख रहा, लाइक कमेंट करना अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दे रहा, और चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों क्या लगता है, अजय देवगन को तुमने क्या एकदम हलवा समझा था, फूल और कांटे का कांटे समझा था? भाई ये वो कांटा है जो सीधा डालेगा और आगे से निकलेगा, आप सोच सकते हो। गाइज नाम मूवी बॉक्स ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था भाई 3,69,00,000 आज रात में कंप्लीट कर देगी, और ऑलमोस्ट इतना कलेक्शन हो भी चुका है। गाइज कुछ लोग इंडिया नेट कलेक्शन इतना कम दिखा रहे हैं, खास तौर पे सेकंड रिपोर्ट जो मैंने कल बताया था कि इस टाइम तक 8,00,000 रुपए का कलेक्शन दिखाया था, आज दूसरे दिन में देख रहा हूं भाई साहब 7,00,000 दिखा रखा है, जबकि दूसरे दिन तो भाई साहब डबल का कलेक्शन, ग्रोस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाकर मैंने बताया था 1,25,00,000 के आसपास कमाएगी आज, और 2 दिन का ओवर एंड ग्रोस का मिलाकर 3,69,00,000। जी दोस्तों हो सकता है कि आज रात तक 4 करोड़ भी पार कर जाए। नाम मूवी वाकई में बेहतर मूवी तो है, लेकिन नाम मूवी का कलेक्शंस भी उससे और बेहतर होते जा रहा है, शोज बढ़े, स्क्रीन्स बढ़े, लेकिन दोस्तों कुछ छपरी लोग नहीं सुधरेंगे। KRK हेट कर रहा है इस नाम फिल्म से, क्योंकि इसको आई वॉन्ट टू टॉक की तरफ से समोसा मिला हुआ है आई बिलीव। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि करण अर्जुन री रिलीज हुई है और पुष्पा भी री रिलीज हुई है, बट दोस्तों जो कलेक्शंस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन का जो कलेक्शंस हुआ है करण अर्जुन का री रिलीज का दोस्तों 30,00,000 से ऊपर जा चुकी है। इसके साथ दोस्तों आई वॉन्ट टू टॉक 25,00,000, एंड दोस्तों पुष्पा भी लगभग 28,00,000 तक पहुँच चुकी है। गाइज ये तो लाखों में पहुँच रही है, लेकिन दोस्तों जो ये नाम मूवी है इसने पहले अपना नाम कर लिया है यार। भाई नाम मूवी ऑलरेडी मेरे भाइयों ये करोड़ों में खेल, ये लोग लाखों में खेल रहे हैं। कुल मिलाकर करण अर्जुन पुष्पा एंड दोस्तों ये आई वॉन्ट टू टॉक जो मूवी है, तो मूवी का नाम इतना घटिया है ना अभिषेक बच्चन की फिल्म जैसा। अरे कुछ अच्छा नाम रख लेते, हिंदी में रख लेते, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अरे अंग्रेजी किसको आती भाई, आई वॉन्ट टू टॉक है साला, आई वॉन्ट टू टॉक बोलते बोलते उसकी जीभ अंदर हो जाएगी और मुंह बाहर हो जाएगा। भाई सबसे पहले तो इतना गंदा नाम मत रखो यार। थैंक्स टू अजय देवगन साहब, अनीस बाजमी एंड प्रोड्यूसर, इतना अच्छा नाम रखा है, जिसका हर घर में नाम होता है वो नाम रखा है। दोस्तों नाम बहुत ही प्यारा फिल्म का टाइटल है, एंड जितना नाम इस फिल्म का हो रहा है वाकई में इसका जो नाम है वो ट्रूली डिजर्व भी कर रहा है टाइटल से। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों के तो रिकॉर्ड तोड़ ही चुकी है, ठीक है, जो लोग बोल रहे बोलने दो। एंड देखो शोज एंड ऑक्यूपेंसी, ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी बहुत सॉलिड आ रही दोस्तों, लेकिन सेकंड की रिपोर्ट 5% की ऑक्यूपेंसी दिखा रहा है अभी भी, मतलब 100 में से 5 लोग देख रहे हैं सुबह भी शाम भी रात भी। अरे भाई हद है यार। इसके अलावा शोज देखो दोस्तों, अभी आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं शोज की लिस्ट बता दूं, तो भाई देखो शोज जो है मुंबई में जो कहा जा रहा है अभी 52 शो चल रहे हैं, दिल्ली में 124 शोज, पुणे में 30 शोज, बेंगलुरु में 5, हैदराबाद में 9, कोलकाता में 16, अहमदाबाद में 66, चेन्नई में 1, सूरत में 52। एंड दोस्तों आपको बता दूं शोज और भी बड़े हैं हर जगह के। सिंगल थिएटर में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अनिल रुमता साहब, जितने भी ये सिंगल थिएटर्स गाइज वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड बेसिकली मल्टीप्लेक्सेस के अंदर भी Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जब कोमल नाहटा जी ने पूछा था कि कितने रुपये लग चुके हैं, इनडायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बोला, बट ऑफकोर्स गाइज 10 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लग चुका है, और मैंने बताया दोस्तों लगभग 40% ये रिकवर कर चुकी है, ऑलमोस्ट ये फिल्म प्रॉफिट में। आपको अंदर का खेल नहीं पता मेरे दोस्तों, ये प्रोड्यूसर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं भाई। कुल मिला के ये सैटेलाइट
राइट और डिजिटल राइट पहले ही इस फिल्म को बहुत तगड़ी मिल रही थी, आई मीन अपने बजट से भी दुगनी मिल रही थी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जानबूझ के रुंगता फिल्म जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे, एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिंघम का बोलबाला है, अजय देवगन का बोलबाला है, अनीश बाजमी का भी बोलबाला है थ्रू BB3, एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतर डेट पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों उनको पता है कि भले ये फिल्म थिएटर में चले ना चले, लेकिन तो उनका मेन एम था इस फिल्म को थिएटर में लाकर इसकी हाइप को बनाकर जो डबल में प्रॉफिट मिल रहा है इसके डिजिटल राइट से वो चौगुना प्रॉफिट मिले। ये एक बहुत बड़ी मेंटली स्ट्रेटजी थी अनिल रुंगता की जो मैंने ऐसे समझा। इसके साथ साथ दोस्तों सैटेलाइट और ये बाकी राइट से तो प्रॉफिट हो ही रहा है, थिएटर में दोस्तों जितना उम्मीद नहीं किया था अनिल रुंगता जी ने उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है जो कि हम सबको दिख रहा है। एंड अब तो दोस्तों 99 रुपीज के टिकट प्राइस भी कर दिया अनिल रुंगता साहब ने, प्रोड्यूसर ने 99 रुपए में आप इस फिल्म को देख सकते हो दोस्तों। एंड जिस हिसाब से क्रिटिक्स के रिव्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि साला हुआ क्या, कौन किसको मार रहा है। भाई पूरी फिल्म को देखो, इस फिल्म को इस तरीके से देखना कि आप सन 2000 में हो, बस तो ये फिल्म आपको ब्लॉकबस्टर लगेगी। तो गाइज ये थी बड़ी अपडेट। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये फिल्म जो है नाम फ्लॉप हो गई है, डिजास्टर हो गई है, लॉस हुआ है, सो गाइज इस वीडियो को जरूर देखो और शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करके अपने भाई रवि चौधरी प्यार दो। और दोस्तों नाम मूवी आज रात 4 करोड़ तक का पूरा फिंगर क्रॉस उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, प्यार दो, जय हिंद जय भारत। अजय देवगन फैंस असेंबल हियर, और अजय देवगन से जुड़ी जुड़ी बातें भी लाता रहूंगा आप लोगों के बीच। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाय दोस्तों।